और कोई भी जर्म्स वायरस कुछ भी नहीं आएंगे कि ऐसे मैं बाहर जाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बैक टू बैक मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से फ्लिपकार्ट का हॉल, क्योंकि समर आ चुके हैं और ऑफिस वर्क के लिए अगर आप कुछ डालते हो तो मैक्सिमम गर्ल्स 30 डालती है। तो मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट समर कुर्तीज भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। लास्ट दो मैंने स्कर्फ हॉल ऑलरेडी शेयर किए हैं। मैंने ऑलरेडी बता भी दिए थे कि मेरे पास और भी सारे स्कर्फ्स डिलीवर होने वाली है, जो कि मैं वन बाई वन आप लोगों से शेयर करूंगी। तो कुछ स्कर्फ्स डिलीवर हुए हैं और कुछ होना अभी बाकी है। तो जो हुए हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पैकेजिंग के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 मैंने ओपन कर लिए और 2 मैंने ओपन नहीं किए हैं। तो वन बाय वन आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और लास्ट जो स्कर्फ्स हॉल है, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली देख लेना। आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन। फिलहाल 4 पैकेट्स है जिसमें स्कर्फ्स है और कुछ दुपट्टा भी है। सारे जो है कॉटन है और समर फ्रेंडली है। सो वन बाय वन इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्टली मैं ओपन कर लेती हूँ ये सिंगल ही आया है, इसमें कोई भी कॉम्बो या कुछ नहीं है। इसको ओपन करते हैं। ये ना ब्रांडेड स्कर्फ है। इसके ब्रांड अगर मैं बताऊं तो अमेरिकन ईगल इसके ब्रांड है, अमेरिकन ईगल। और इसको मैं थोड़ा सा खोल लेती हूँ। ये मुझे अलग इसीलिए लगे, इसके आप प्रिंट देखो, इसके आप प्रिंट देखो, जस्ट कुछ हार्ट शेप के बने हुए हैं, लव यू वैसे कुछ लिखे हुए हैं, लिली, जो गुड वाइब्स होते हैं ना वैसे मैसेजेस है यहाँ पे, प्यार भरे मैसेजेस है। तो मुझे ये बहुत पसंद आए। और ऊपर से वाइट है, समर में कॉटन के वाइट, और वाइट में कुछ कलर से लिखे हुए हैं, क्योंकि आप वाइट के ऊपर कुछ भी कलर यूज कर सकते हो। आप कोई भी कुर्ती के साथ, टॉप के साथ, जींस के साथ इसको पेयर अप कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे लटकन है, पर्ल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में है। तो इसमें ब्लैक और व्हाइट के छोटे छोटे थ्रेड्स के लटकन है। और लास्ट डे जो मैंने स्कर्फ के लेंथ दिखाए, ब्रेथ दिखाए, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंथ एंड ब्रेथ है। तो क्या है ना, आप इसको इजीली डाल सकते हो। जैसे कि ये वाले ड्रेस, ये वाले कुर्ता मैंने डाले हुए हैं, ये सवरिया के हैं। ऊपर से मैंने अपने ऑफिस वेयर के लिए इसको ऐसे डाल दिया, राइट? या कभी भी मैं टॉप के साथ भी इसको ऐसे डाल सकती हूँ, जैसे कि मैं पसंद करती हूँ। आप जैसे पसंद करते हो आप वैसे ले सकते हो। मुझे तो ये बहुत पसंद है। अगर क्वालिटी वाइज मैं बताऊँ तो कुछ भी मिक्स नहीं है इसमें। इसकी चौड़ाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इतने तक है। तो यही है सेकेंड वन को ओपन। नेक्स्ट वन इज दिस वन। इसके ऊपर लिखे हुए है डॉट दुपट्टा कॉटन रेयन ब्लेंड। तो इसमें कॉटन और रेयन ब्लेंडेड है, और कॉटन रेयन दोनों ही समर फ्रेंडली फैब्रिक है, जैसे कि हम कॉटन के या रेयन के ही फैब्रिक ढूंढते हैं। तो ये दुपट्टा है, ये स्कर्फ नहीं है। स्कर्फ दुपट्टा मतलब स्कर्फ से थोड़ा बहुत ज्यादा बड़े। तो ये कुछ इस तरह से है, बट ये कुछ अलग स्टाइल के है, क्योंकि मैं बता ही रही थी कि कुछ अलग मैं परचेज करने वाली हूँ। ये और इस, ये है मास्क, और इसको आप अंदर से डाल सकते हो। इसके ऊपर ना ये टोपी है, क्योंकि ये धूप की वजह से स्पेशली बने हुए है। देखो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं, इसको पूरे के पूरे कवर्ड रहो, आपके फोरहेड भी कवर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत नीचे भी कर सकते हो, एक्चुअली फोटो में ना नीचे ही थे। और इसके ये मास्क भी बन गए, आपके फेस के ऊपर भी धूप नहीं आएंगे और कोई भी जर्म्स वायरस कुछ भी नहीं आएंगे। और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। नीचे ऐसे लटकन लगे हुए हैं, दोनों तरफ से प्रिंट सामने भी है, पीछे भी है। और नीचे का जो पार्ट है कुछ पोंचू की तरह है, पीछे भी है, सामने भी है। तो ये कोई, और इसका जो घेर है ना बहुत ज्यादा है। आप इजी तरीके से अपने हाथों को हिला सकते हो, अपने ये जो है किसी भी आप ड्रेस के ऊपर इसको डाल सकते हो, टॉप के ऊपर या कुर्ते के ऊपर, साड़ी के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। डेली वेयर के लिए ये बहुत सही है।
इतने ज्यादा धूप से बचने के लिए भी बहुत सही है। मेरे पास ये छोटे वाले पैकेट, तो ये छोटे वाले पैकेट को मैं ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने अभी भी ओपन नहीं किए हैं। इसमें भी हिजाब है, पहले जो मैं व्हाइट वाले दिखाया ना वो भी हिजाब ही थी, और ये भी हिजाब है जो कि फुल कवर्ड है, और ये भी व्हाइट है। आई डोंट नो कि उसी तरीके से ये है कि नहीं, बट जो फोटो थी ना उसमें ना वो पहने हुए थे मॉडल, तो आई डोंट थिंक कि ये वो वैसा वाला है, बट ये मुझे बहुत सही लगा। अब जस्ट देखो इसको, इसके जो फैब्रिक है ये एकदम दुपट्टे की तरह है। आप इसको हिजाब भी कह सकते हो, दुपट्टा भी कह सकते हो। इसमें कोई भी वो मास्क टाइप का या वो कैप टाइप का नहीं है, हुडी टाइप का नहीं है, बट ये आई डोंट नो कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं। आप इसके जस्ट फैब्रिक देखो, इतने सॉफ्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने सॉफ्ट है ये। आप इसको एज दुपट्टा भी डाल सकते हो ऐसे करके, आप इसको स्कर्फ की तरह भी डाल सकते हो। आई थिंक मैं तो ये स्कर्फ की तरह ही डालूंगी, ऐसे एकदम ही पूरे के पूरे फोल्ड करके ऐसे मैं बाहर जाऊंगी ऐसे। और इसके फैब्रिक इतने मतलब मैं क्या बताऊं, टिके रहते हैं जगह पे, भारी नहीं है बिल्कुल, एकदम ही पतला है कि ये ना आप अगर मूव करते हो तो आपके साथ ही मूव नहीं करेंगे, ये टिके हुए रहेंगे और धूप वगैरह से प्रोटेक्शन भी देंगे ऐसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास जो है वो है ये, और इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर ही लिए थे, और कल परसों और दो तीन जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। कुछ हिजाब है, कुछ दुपट्टा है, कुछ स्कर्फ है। इसमें ओनली टू दुपट्टा है, टू स्कर्फ्स है सॉरी। एक को मैं साइड कर देती हूँ, और दोनों इतने सुंदर से कंट्रास्टिंग कलर है ना, जो भी है फ्लोरल है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये फ्लोरल स्कर्फ्स है। दिस वन, आप पहले प्रिंट देखो इसके, दिस वन कॉटन के ना एकदम चादर जैसे होते हैं ना, कॉटन के चादर है आप कह सकते हो। इतने सॉफ्ट। आई थिंक आप इसके जो इमेज है, इसके जो क्लिप है, उसको देख के ही समझ सकते हो कि इतने कितने ज्यादा सॉफ्ट है। प्रिंट देखो, फ्लोरल प्रिंट है, ऑसम प्रिंट है, फैब्रिक क्वालिटी ऑसम है। मैं अपने सारे जो चीजें है ना वो चुन चुन के परचेज करती हूँ, आपको तो पता ही है, तो इसीलिए बहुत कम आते हैं जो कि डिफेक्टिव या सूट नहीं करते, ऐसे वाले चीजें आते हैं, साइज में गड़बड़ ऐसे नहीं आते। तो ये साइड में कुछ इस तरह से है, सोबर है, ये इतने ज्यादा सोबर है, और आप कोई भी एज के हो आप इसको डाल सकते हो। इतने इसके जो लेंथ इतना है या इसके ब्रेथ इतने है, आप इसको एज दुपट्टा भी यूज कर सकते हो। इनाफ है इसके लेंथ और कंफर्टेबल है, ब्रेथ और विड्थ इतना भी ज्यादा बड़े नहीं है कि अगर आपके शोल्डर से गिर रहे हैं या ऐसे कुछ। और क्वालिटी वाइज तो मैंने आपको बता ही दिए है, बहुत सुंदर। द लास्ट वन ऑफ द डे इज दिस वन, सेम प्रिंट में है, सेम क्वालिटी में है, सेम फैब्रिक में है, सेम पैटर्न, सेम डिजाइन, आप कुछ भी कहो। इसके कलर कुछ इस तरह से है, और दोनों के कलर मुझे काफी पसंद आए। ये सीधा ये उल्टे है, देख के ही पता चलते है, ये डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है, ऐसे है। मुझे बहुत पसंद आए ये दो, जो जो है सारे बहुत बहुत पसंद आए। बाकी के जो सारे स्कर्फ्स आएंगे ऑलरेडी डिलीवर जो हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी, कल या परसों। उसके ऊपर एक हेयर केयर के वीडियो भी आएंगे बहुत जल्दी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।